सो हेलो एंड वेलकम बैक टू एकेडिस गाइज। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग लेकर आया हूं। तो चले गाइज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना स्किप करे वीडियो देखिएगा गाइज एंड अच्छे से समझिएगा। एंड गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज हम बिना बकबक के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ गए अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज आपको भी आ जाना है अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। एंड ये वाला बैकग्राउंड गाइज आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, वहाँ से आप सिंपली से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड गाइज ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद गाइज हम चलेंगे अपने ऐड फोटो पे एंड यहाँ से हम अपने मॉडल को सेलेक्ट कर लेंगे। सो गाइज मैंने अपने मॉडल को सेलेक्ट कर लिया है एंड इसे ऐसे करके ये ऐसे कर देंगे गाइज एंड सिंपली कर देंगे गाइज यहाँ पे हम डन। एंड गाइज इतना करने के बाद फिर से हम चलेंगे ऐड फोटो पे एंड ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइज हम एक लेंस की पीएनजी लेंगे, आई लेंस, जो आप लोगों को ये भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। इसे एंड ऐसे जूम करके गाइज सेट कर देंगे। तो गाइज ऐसे करके सेट कर देंगे एंड गाइज सिंपली यहाँ से कर देंगे डन। एंड यहाँ से गाइज हम इसकी ओपेसिटी कर देंगे 32 के आसपास एंड इसके डुप्लीकेट लेयर लेंगे एंड इसे भी हम इस आँख में लगा देंगे। सो गाइज अब देख सकते हैं कितना अच्छा सा दिख रहा है गाइज। थोड़ा इसकी और ओपेसिटी कम कर देंगे, थोड़ा ढंग का नहीं लग रहा है, 20 कर देंगे गाइज। तो गाइज इतना हो गया, सिंपली कर देंगे यहाँ से हम डन। एंड गाइज इतना करने के बाद फिर से हम चलेंगे अपने ऐड फोटो पे एंड यहाँ से एक ये वाली पीएनजी लेंगे एंड इसे हम क्रॉप करेंगे इतना हटा देंगे एंड सिंपली यहाँ से डन। एंड इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे गाइज एंड यहाँ से छोटा करके और अपने मॉडल जूम करके एंड इसको अपने लेंस के नीचे लगाएंगे गाइस ताकि बैकग्राउंड से थोड़ा मैच आए हमारा। सो गाइस इतना हो गया एंड इसका भी एक डुप्लीकेट लेयर लेंगे एंड इसे भी हम यहाँ पे लगा देंगे। एंड गाइस इसका ओपेसिटी हम कर देंगे 44 एंड इसका भी कर देंगे 44 एंड सिंपली कर देंगे डन। अब देखिए गाइस हमारे आंख में कुछ अच्छा सा लुक आ रहा है, थोड़ा लग रहा है जैसे देखिए। एंड गाइस इतना करने के बाद हम फिर से चलेंगे अपने ऐड फोटो पे एंड यहां से हम एक बैन 10 का जो घड़ी होता है गाइस उसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसे ऐसे So guys, इसे हम ऐसे करके ले लेंगे एंड ऐसे करके सेट कर देंगे। ये हम उल्टा कर रहे हैं इसे, इसे आप लोग को ऐसे करके so guys, आप देखिए अब कुछ अच्छा सा लग रहा है गाइस। एंड गाइस इतना करने के बाद सिंपली हम इसे कर देंगे डन। एंड इतना करने के बाद गाइस फिर से चलेंगे अपने ऐड फोटो पे एंड यहाँ से हम ये वाली पीएनजी लेंगे एंड इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे एंड इसे वॉच के पास में लगाएंगे गाइस। तो गाइस इतना करने के बाद फिर से सिंपली कर देंगे इसे डन। एंड डन करने के बाद गाइस फिर से हम चलेंगे अपने इस वाले ऐड फोटो पे एंड वाली पी एन जी को लेंगे एंड सिंपली डन। इसे हम ऐसे बड़ा करके गाइस से नीचे एंड इसका ब्लेंडिंग मोड कर देंगे गाइस स्क्रीन एंड स्क्रीन करने के बाद डन। एंड इतना करने के बाद गाइस अच्छे से चलेंगे इस पे एंड वाले पी एन जी को लेंगे एंड इसे भी हम ऐसे बड़ा करके
उसका ब्लेंडिंग मोड ड्रेन कर देंगे। उसका ब्लेंडिंग मोड गाइस ड्रेन। एंड गाइस इतना करने के बाद देखिए हमारे जो ये लेयर्स में आ गए हैं। डन कर देंगे। एंड गाइस इतना करने के बाद हम फिर से ऐड फोटो पे चलेंगे। एंड अब हम लेंगे ये लाइट वाली, ऐसा लग रहा है कि ये पावर दे रहा है ऐसा, बट कुछ नहीं है गाइस, ये सब एडिटिंग है। एंड इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे। अब देखिए गाइस जो लग रहा है। एंड अब हम इरेजर वाले टूल पर जाएंगे एंड इसे जो हमारे फेस पे आ रहा है उसे हम इरेज कर देंगे। इतना करने के बाद सिंपली हम यहाँ से कर देंगे डन। यहाँ से भी डन। एंड गाइस इतना करने के बाद अब हमारा आगे का वर्क है अपने हमारे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा मॉडल को मैच करेंगे बैकग्राउंड से। तो चलते हैं गाइस हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। गाइस हम आ गए हैं अपने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। गाइस अगर ये वाला ऐप आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, और प्रीमियम वर्जन चाहिए तो गाइस आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चले गाइस हम वर्क स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें चलना है अपने इस वाले टूल पर एंड इसकी हाईलाइट को कम कर देंगे -25 के आसपास एंड शैडोज़ को भी 30-33 के आसपास कर देंगे गाइस। एंड इसे भी कम कर देंगे 42 के आसपास एंड वाइट को 26+26 एंड गाइस कॉन्ट्रास्ट को हम 20 के आसपास। एंड गाइस इतना करने के बाद अब हम चलेंगे इस वाले टूल पर। एंड इस वाले टूल पर जाने के बाद गाइस हम इस वाले टूल पर जाएंगे गाइस। एंड यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करके अब हम ये इसको करेंगे गाइस। एंड यहाँ से एंड गाइस इतना करने के बाद यहाँ से आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप लोगों को जितना चाहिए। तो गाइस मैं इतना ही करता हूँ। एंड यहाँ से सिंपल डन। एंड इतना करने के बाद गाइस क्लियरिटी को बढ़ा देंगे थोड़ा एंड इसे हम कम कर देंगे एंड इसे हम थोड़ा बढ़ा देंगे फेस की क्वालिटी के लिए। एंड गाइस इतना करने के बाद अब हम इस वाले टूल पर आएंगे एंड शार्पनेस को बढ़ा देंगे एंड इसे भी बढ़ा देंगे। एंड गाइस इतना करने के बाद अब हम चलेंगे थर्मामीटर वाले पे एंड यहाँ मिक्स पे एंड अब ये वाला टूल लेके -49 के आसपास करके एंड यहाँ सिंपली कर देंगे डन। एंड गाइस अब देखिए हमारा फोटो एडिट हो चुका है। एंड गाइस देखिए गजब का लग रहा है, फेस पे भी कोई क्वालिटी डल नहीं हुई है गाइस। एंड गाइस आज के लिए इतना ही गाइस। कैसी लगी वीडियो कमेंट पे बताएं मुझे, और आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।